देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई थी, उन्होंने जीत हासिल कर लिया और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का जो है माहौल है पूरी तरीके से। देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी समाज से आती थी और उसको लेकर जो है जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया जिसमें से तौर पर लिखा गया अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वहीं द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी समाज से आती थी तो इस वजह से जो पार्टी कार्यालय में आदिवासी नृत्य का जो आयोजन वो किया जा रहा है और उसमें आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम जो महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता नेता है वो जो है वो भी उन आदिवासी महिलाओं के साथ जो है वो नृत्य कर रही हैं और जश्न जो है वो पूरे जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक आदिवासी समाज की बेटी जो है द्रौपदी मुर्मू उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उतारा था और उन्होंने जोरदार जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं पार्टी कार्यालय में इसको लेकर जोरदार खुशी की लहर है और जो लोग जो है वो खुशी से झूम रहे हैं। जीत का जश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नेता हैं सभी में खुशी की लहर है और अब से कुछ ही देर में जो है वो जीत का जश्न का जो है जो जुलूस है जीत का जुलूस है वो निकाला जाएगा और यहाँ बीजेपी पार्टी कार्यालय से डाकबंगला चौराहा तक जाया जाएगा और इसके पहले पार्टी कार्यालय के बाहर आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ बीजेपी की तमाम महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं वो खुशी मना रही हैं। कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है पूरे तरीके से बीजेपी में। आपको बता दें कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को तो वहीं महागठबंधन ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने भारी मतों से विजय हासिल कर लिया। हालांकि ये पहले से तय था कि कहीं ना कहीं जीत जो है वो द्रौपदी मुर्मू की होगी और द्रौपदी मुर्मू ने आज 15वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जीत हासिल की है और इसको लेकर खुशी की लहर पूरी तरीके से है और खूब जो है जश्न पूरे तरीके से जश्न का माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो कुछ महिला नेत्री हैं बीजेपी महिला मोर्चा की जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी है। एक आदिवासी समाज की बेटी हैं और जो 15वें राष्ट्रपति बन रही हैं कितनी खुशी है आप लोग? हम महिलाओं के बीच बहुत उत्साह है क्योंकि एक हमारी महिला बहन आज राष्ट्रपति पद पे सुशोभित होने जा रही है और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और हम लोगों ने ये अभी भाजपा कार्यालय के सामने जो हमारी महिलाएं हैं वो एक अलग तरीके के वेश में आके अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं ये बहुत ही गर्व का विषय है। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है तो आदिवासी समाज के नृत्य का भी आयोजन आप लोगों ने करा? बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो भी परिचायक है और वो जिस समाज से आती है उनकी खुशी के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है। ऐसे हम महिलाओं का तो एक ही धर्म होता है, सिर्फ हम एक महिलाएं काफ़ी हैं जो समाज और धर्म को जोड़ के रखती हैं। खुशी जो है वो जो खूब है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो आदिवासी समाज की जो महिला आदिवासी समाज की बेटी हैं वो देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है उन्होंने वो जीत उन्होंने हासिल किया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर खुशी की लहर जो है वो पार्टी में दिख रही है और महिला मोर्चा की ओर से आदिवासी जो है आदिवासी नृत्य का आयोजन जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर आयोजन किया गया है और अब से कुछ ही देर में जो विजय जुलूस है वो पार्टी कार्यालय से पटना के डाक बंगला चौराहा तक निकाला जाएगा जिसमें बीजेपी की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस विजय जुलूस में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं जोरदार जश्न का जो माहौल है वो पार्टी कार्यालय में दिख रहा है और खुशी सभी के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें एच न्यूज़ के साथ और देखते रहें एच न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।
अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशन, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।